हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ाहिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हूँ। व्हाट्स इन माय बैग क्वारंटीन एडिशन। एंड आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ कहीं भी बाहर निकलने से पहले, और ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बैग के बारे में कुछ बता देती हूँ। सो दिस इज अ हैंड बैग और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। एंड यूजुअली थिंग्स कैरी करने के लिए मैं हैंड बैग ही प्रेफर करती हूँ। एंड आई रियली लाइक दिस वन। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड माय बैग। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज वाटर बॉटल। ये बहुत ही जरूरी है, आप कहीं भी बाहर जाएं तो हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और ये बॉटल ट्रियो की तरफ से है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगली चीज जो मैं अपने बैग में रखती हूँ वो भी बहुत बहुत नेसेसरी है, और इसमें मेरे आधार कार्ड एंड सम इम्पोर्टेंट कार्ड्स रहते हैं, और ये बहुत ही हैंडी है टू कैरी। और ये है डायरी एंड पेन। एक्चुअली ये मुझे अपने बैग में रखने की आदत है, सो जब भी मुझे कोई रेसिपीज आइडिया आते हैं तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। सो इस डायरी के अंदर एक पेन भी दिया गया है, बट देन ऑल्सो मैं एक्स्ट्रा पेन कैरी करती हूँ। और ये है कुछ नोट्स, एंड दीज आर सम कलरफुल नोट्स। सो ये डायरी मुझे बेवकूफ.com की तरफ से मिली थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या दैट्स अबाउट इट। आप लोगों को भी अपने बैग में एक डायरी एंड पेन रखना चाहिए, इट्स रियली यूजफुल। अगली चीज बहुत ही बेसिक है, सेल फोन्स। सो ये तो हर किसी के बैग में होता ही होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज पावर बैंक। इसकी कैपेसिटी 10,000 mAh की बैटरी है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इजी टू कैरी भी है। अगली चीज जो मेरे बैग में रहती है वो है परफ्यूम, एंड दिस इज माय फेवरेट परफ्यूम। इट स्मेल्स रियली रियली नाइस। एक्चुअली ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी और इसलिए ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, और इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मैं अभी भी थोड़ा लगा लेती हूँ। आप भी अपने बैग्स में परफ्यूम मस्ट रखें टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड ओडर। अगली चीज है ईयरफोन्स, एंड दिस इज फ्रॉम बोट। ट्रैवल करते समय आपके बैग्स में भी ईयरफोन जरूरी होना चाहिए, आप इसमें सॉन्ग्स एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी शोर गुल के। अगली चीज है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हैंड सैनिटाइजर्स। आप इसे हमेशा अपने बैग में रखें ताकि आपको जर्म से लड़ने में मदद करेगी, और ये भी मैंने अप्लाई कर लिया, लाइक व्हाई नॉट। सो हैंड सैनिटाइजर्स चेक। अगली चीज है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, मास्क। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं या फिर कोई बाहर वाला आपके घर में आ रहा है तो आप जरूर मास्क पहन के रहें। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की तरफ, और ये है शेड्स, एंड दिस इज बाय फ्लॉइड। सो मैं ये आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इट्स इन अ पर्पल कलर, एंड आई थिंक शेड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सन के रेज से आपको काफी बचाता है और आपके आंखों में इन्फेक्शन भी नहीं होते हैं। और ये मैंने सेंट्रल मॉल से खरीदा था और मुझे ये काफी पसंद है। सो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं अपनी अगली थिंग की तरफ। एंड दिस लिटिल क्यूट थिंग इज फेवी स्टिक। आपको मेरे बैग में ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी, सो बेयर विथ मी। अगली चीज है अनदर वॉलेट, इसमें मैं कॉइन्स कैरी करती हूँ। एंड दिस इज वाइप्स फ्रॉम ट्यूलिप्स। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप रिफ्रेश फील नहीं कर रहे हो सो आप एक निकालो एंड इसे यूज करो हैंड्स पे फेस पे, दिस इज रियली रिफ्रेशिंग। एंड ये है मिरर फॉर सम टच अप्स एंड ऑल, और ये बहुत ही प्रिटी है। सो जब हम बात कर रहे हैं टच अप्स की तो आता है लिपस्टिक, और ये तीन चीजें मेरे बैग में जरूर रहती है। सो ये है लैक्मे का 9 to 5 लिपस्टिक, एंड इसकी शेड मुझे बहुत पसंद है। लेट मी शो यू, इट्स इन अ रेड चेरी कलर, सो काफी डार्क है
एज यू कैन सी। सो गर्ल्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस कलर की शेड पसंद है। आई लाइक द रेड कलर। सो इसे हम रख देते हैं। और दूसरी चीज है लिप बाम फ्रॉम मेबलिन एंड दिस इज वेरी लाइट इन कलर। और ये है लिप लाइनर लैक्मे की तरफ से। सो अब मेरे बैग में अगली चीज है लैक्मे 95 आई शेडोज। और इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसमें 4 कलर्स हैं एंड चारों ही बहुत ही लाइट एंड मुझे काफी पसंद है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज मेडिसिंस। एंड ये पाउच मुझे एक्चुअली बहुत ही पसंद है, दिस क्यूट लिटिल पाउच। एंड ये कुछ मेडिसिंस हैं जो कि मैं कैरी करती हूँ, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। सो इसे हम रखते हैं साइड में और निकालते हैं अपनी अगली चीज जो कि ये हैंड कर्चिफ। और इससे मैं अपने लिपस्टिक के स्टेन्स हटा लेती हूँ। वाओ, चलते हैं अपनी नेक्स्ट थिंग की तरफ। एंड दीज आर सम कैंडीज एंड बिस्किट्स। आपके बैग में कुछ ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जो रेडी टू ईट हो, सो दैट अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो ये अच्छा टाइम पास है। अगली चीज जो है ये मुझे बहुत ही प्रीशियस है, तस्बी। और ये अगली चीज जो मेरे बैग में है वो है ORS, रियली इम्पोर्टेंट। सो अब मैं ओपन करूंगी अपने साइड पॉकेट्स को एंड दिस इज कॉटन बॉल्स फ्रॉम ट्यूलिप्स। और ये है कुछ सेफ्टी पिंस एंड क्लचर। क्लचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको कभी भी कहीं भी गर्मी से बचा सकती है, अगर आप फीमेल्स हैं तो, या फिर उनके लिए भी जिनके लॉन्ग हेयर हैं। सो मैंने अपनी सारी सीक्रेट्स आपसे शेयर कर चुकी हैं, इस बैग में अब कुछ भी बचा नहीं है दिखाने को। एंड आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो व्हाट्स इन माय बैग क्वारंटीन एडिशन बहुत ही पसंद आया हो एंड हेल्पफुल भी लगा हो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो अपने बैग में ऐड करनी चाहिए। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।